हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों से मैं मिल रही हूँ लगभग तीन दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या है, कैसे। एक्चुअली यार, मुझे थोड़े से जो इश्यूज़ हो रखे हैं ना, उन्हीं में मैं फंसी पड़ी थी। जो सर्वाइकल का स्टार्ट हो गया ना, तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला नेक वाला एरिया इतना पेन कर रहा था कि उठने बैठने में दिक्कत थी। तो व्लॉगिंग तो फिर बहुत दूर की बात है, बट मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज मैंने रील्स भी बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, एक ग्रीन सा कुर्ता पहनाया मैंने। ओके, सो गाइस, आज है 9 तारीख, आई थिंक 10 तारीख कुछ ऐसे ही है। अगर 10 है तो कल 11 है, कल राखी है। अगर 9 है तो परसों 10 है, परसों 11 है, परसों राखी है। अभी देखूंगी, फ़ोन हाथ में आए तो कुछ कपड़े मैंने सारे धो दिए थे, और धूप होती है ना, तो देखो मेरे यहाँ पे भी कपड़े सूख रहे हैं, स्टैंड पे भी सूख रहे हैं। और दर्शन देखो, थैंक यू यार स्टैंड के लिए। सच में जब दिया था तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत, मतलब क्या करेंगे इसका, इतनी बड़ी हमने रस्सी बांधी हुई है, यही इनफ है हम लोगों के लिए, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है। बट जैसे जैसे समय बीता, मुझे समझ में आया कि इसकी क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे कपड़े इस पे सूखते हैं, बहुत सारे, उतने यहाँ नहीं आ पाते जितने इस पे सूख जाते हैं। तो अभी आप देखिए, मेरा ये भी पूरा भरा हुआ है पूरा, और ये भी भरा हुआ है, इतने कपड़े धोए जाते हैं मेरे घर में। तो हम दो ही तीन लोग थे, मैं, डुगू दिवाकर जी, अब पापा, अमन। फ्रूटी तो कपड़े पहनती नहीं है, विश्रम है वो, देखो नाम लेते ही आ गई। क्या कर रही हो? अली मिला बच्चा, अली मिली गुलिया लानी, आ गई मिली गुलिया लानी। ओके, सो फाइनली सफाई वफाई देख रहे हो कितना चमका के रखा है घर मैंने, ये देखो एकदम चमक रही है बालकनी भी, देखो चमक देखो बालकनी की। सो बिल्कुल घर वर साफ करके रखती हूँ मैं, मुझे साफ़ सफाई पसंद है, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अकेली पड़ जाती हूँ ना, तो कभी कभी क्या है यार, धूल वूल ना चीज़ों पे जम जाती है। तो मेरा ये, इसलिए मेरी चिमनी इस टाइम बहुत ज़्यादा चिमनी गंदी हो रखी है। लेकिन चिमनी मैंने एक बार धोने की कोशिश की थी, मेरा पूरा हाथ कट गया था चिमनी धोने में। तो मुझे चिमनी धोने से थोड़ा सा यार ये होता, फिर मैं कुछ और काम नहीं कर पाती हूँ, हाथ तो ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल अपनी डाइट पे हूँ मैं। आप ऐसा मत सोचना कि सोनिया व्लॉगिंग नहीं कर रही, मीन्स डाइट छोड़ दी है, नहीं, मैं अपनी डाइट पे ही हूँ। तो मैं अपना इवनिंग स्नैक लेने जा रही हूँ, बिकॉज़ कि हाँ, आज मैंने एक और सफाई की थी, दिखाऊँ। तो आज मैंने अपना ये पूरा जो एरिया है, ये बॉक्स का, ये पूरा साफ़ किया है, और इसके अंदर का सामान सोचेंगे आप कहाँ गया, तो ये देखो ये रखा हुआ है, ये मेरे सारे सामान रखे हुए हैं, और वो एरिए में मुझे अब इसको लगाना है, अभी लगाया नहीं है। तो किचन, घर, सब कुछ, मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी तो वहाँ पे वो उपलो पड़ा हुआ है, तो सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है। तो हम अपना अब मखाने देख लेते हैं, मुझे लेने हैं 16 ग्राम। ओके, एक भी मखाना हम वेस्ट नहीं करेंगे, 16, ठीक है, ये हो गया मेरे 16 ग्राम मखाने। और कुछ फ्रूटी के लिए निकाल लेती हूँ, देखो तो खड़ी है ये, मखाने और बादाम खाने के लिए ना यहीं आके खड़ी हो जाती है, हिलती नहीं है यहाँ से। देखो दिखाऊँ आपको, ये फ्रूटी, हाँ जीभ निकल गई ना, जीभ निकल गई, ये लो लो, लेके लेके भाग गई, देखो लेके भाग गई। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा घी, आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही। ओके, और घी को हम ऐसे ऐसे पूरे पैन में कर लेंगे, टाइम है हमारे मखाने डालने का इसमें। सुरक्षाबंधन के नाम पे, मतलब राखी के नाम पे, अच्छा इस बार राखी 2 दिन पड़ रही है, 11 और 12 दोनों को पड़ रही है। तो दिल्ली में मैक्सिमम लोग 11 को कर रहे हैं, और अगर थोड़ा गाँव का हिसाब किताब लेके चलूँ मैं, मतलब हमारे तरफ, वहाँ 12 को कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग 12 को ही कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं राखी 12 को करूँगी। ओके, सो हाँ, तो 12 को राखी करूँगी। तो अभी मेरे पास रक्षाबंधन के नाम पे मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है, कुछ नहीं खरीदा है, मुझे रक्षाबंधन की अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
जैसे कि राखियाँ लेनी है अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए, भतीजों के लिए, तो टोटल कितनी 8 राखी लेनी है अभी मुझे। चलो, और क्योंकि मैं अमन को राखी नहीं बांधती हूँ, सिब्बू को, यार सिब्बू को मैं राखी बांधती थी, जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे यहाँ राखी नहीं बांधी जाती है पापा के घर में, मतलब मेरे यहाँ मतलब पापा के घर में, क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी इसी दिन, हर साल बताती हूँ मैं तो। लेकिन सिब्बू नहीं मानता था, सिब्बू कहता था कि अरे चलना कुछ नहीं होता, तू बांधेगी तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन इसलिए मैं अमन को राखी नहीं बांधती हूँ। ओके, और सिब्बू याद आता है, सो फाइनली गाइज वेलकम है आज आपका, क्योंकि कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बट मैंने पूरा नहीं किया था व्लॉग, बिकॉज थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं चलता है। आज है 11 तारीख और आज बहुत सारे लोग राखी कर रहे हैं, दर्शन दी मे भी शायद आज ही करेंगी राखी, सो शाम के टाइम आएंगी राखी बांधने। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी तो मैं जा रही हूँ, देखो मेरे घर में अरे है नहीं इधर नहीं, ये पाइप जो है जगह जगह से फट गई है, ये वॉशिंग मशीन की पाइप हिल रहा है, तो ये वॉशिंग मशीन की पाइप जो कि जगह जगह से फट चुकी है, तो ये पानी बाहर लीक हो रहा है इससे। सो हम लोगों ने इसको जा रही हूँ नया पाइप लेने में, अभी मार्केट वैसी राखी लूँगी, वैसे थोड़ा थोड़ा और सामान लूँगी, क्योंकि मेरी एड़ियों में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, बट थोड़ी दूर तो जाना पड़ेगा। सो हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं, चल अमन, मैं और अमन थैला ले, कोई पन्नी ले ले यार, या फिर अंधेरा है काफ़ी घर में, सो अभी हुआ ना रोशनी अंधेरे से, इसको थैले में डाल लूंगा। अरे नहीं यार थैला गंदा हो जाएगा मन, तो फिर ऐसे ले लेके जाएंगे। हाँ ऐसे ले लेते हैं ना, ये छोड़ दे इसको, यही छोड़ देते हैं, डस्टबिन में डाल दे, उसको बोल देंगे लंबी वाली पाइप चाहिए, वॉशिंग मशीन का बोल देंगे ना? हाँ वॉशिंग मशीन का डाल दे इसमें, हाँ आ जा, डस्टबिन बंद भी करनी होती है भाई, ब्राताश्री हमारे। बस बाबू बस 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 बाबू नहीं हो रहा, छोड़ फिर आ जा मैन, जस्ट गो, वो माय गॉड। सो फाइनली पाइप हम ले आए हैं, और पाइप देखिए मन कितना लंबा है ना, ये भी धोने के लिए रखा हुआ है, बाद में ये सब धोना है, वॉश करना है, कितना है, इट्स ऑलमोस्ट 2 मीटर्स लॉन्ग, 2 मीटर्स लॉन्ग हो जाएगा ना, टॉलर देन मी। ओके चलो लगाओ, मैं अपना लंच कर रही हूँ अभी, और लंच में है आज ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी, ये ओट्स की खिचड़ी है वेजिटेबल 300 ग्राम, ओके, एंड 80 ग्राम पनीर है, पनीर भुर्जी 80 ग्राम्स, और 100 ग्राम सैलड है। तो ये मेरा आज का लंच है, 11 तारीख लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, ये कपड़े सूखने में डाल रखे हैं मैंने, पापा की शर्ट, बाहर बारिश आ गई थी एकदम से, तो यहाँ मैंने डाल दिए कपड़े सूखने के लिए पापा के लिए। हाँ लोग आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, मैं अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ, सो दिस इज़ माय डाइट, लुक यम ना, किसी से कम नहीं है। लोग आज पनीर ही तो खा रहे होंगे, तो मैं अभी तो पनीर भुर्जी खा रही हूँ, और बस खिचड़ी है वेजिटेबल्स है, इसमें बहुत सारी शिमला मिर्च है, बीन्स हैं, मटर है, गाजर है, यम्मी है।